हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाऊंगी वेलवेट की प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग। मैंने कई वेलवेट की कुर्तीज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग डाली थी, तो मुझे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे कि आप पैंट की भी कटिंग और स्टिचिंग डालो, तो आज मैं आपको वही दिखाने जा रही हूँ कैसे इसकी कटिंग होती है और कैसे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है लेंथ। लेंथ हमारे पास है 36 इंचेस। उसके बाद आती है हमारे पास वेस्ट। वेस्ट हमारी 18 इंचेस है, यानी कि 36 इंचेस। तो लूजिंग डालेंगे हम इसमें। लूजिंग हम 5 या 6 इंच की लूजिंग डालते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 इंच की लूजिंग डाल रही हूँ, यानी कि अगर 18 में 6 प्लस करेंगे तो 24 इंचेस आ जाएगा हमारे पास। और डबल फोल्ड करके हमने फेब्रिक रखना है, तो इसलिए 12 इंच पे मार्क करेंगे हम। तो ऐसे ही सेम हिप हमारे पास है 20 इंचेस, यानी कि 40 इंचेस। तो 40 में भी हम 4 इंच की लूजिंग डालेंगे, यानी कि 24 आ जाएगा। सेम सेम होती है ये हिप और वेस्ट जो होती है इसमें, क्योंकि फुल इलास्टिक वाला, इसलिए दोनों सेम लेंगे हम। तो ऐसे ये भी 24 इंचेस आ जाएगा 4 इंच की लूजिंग के बाद। तो ये भी 12 इंचेस ही हमारे पास होगा। तो उसके बाद आता है हमारे आसन। आसन हमने यहाँ पे लेना है 11 इंचेस, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाला है इसलिए। तो हमारे पास जो मोरी का नाप है वो 6 इंचेस है। 6 इंचेस हमें रेडी करनी है। थाई, थाई हमारे पास है 26 इंचेस विद लूजिंग। 22 इंचेस थाई है, और उसमें मैंने 4 इंच की लूजिंग डाली है, तो 26 इंचेस आ गया। यानी कि डबल फोल्ड करने के बाद 13 इंचेस पे मैं मार्क करूंगी। तो इसके लिए, इस पैंट के लिए जो हमें फैब्रिक चाहिए वो 2 या हमें 2.5 मीटर चाहिए होगा, वो हमारी लेंथ के ऊपर डिपेंड है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा फैब्रिक है, ये मैंने बड़े बर का फैब्रिक लिया है। इस तरीके से मैंने इसको पहले डबल फोल्ड किया है। ये देखिए, मैंने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग फैब्रिक लिया है। इसको पहले मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, देन आफ्टर एक और फोल्ड कर लूँगी मैं। ऐसे इसको सेट करके रख लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे ऊपर हमने इलास्टिक का अलग से मार्जिन लेना है, क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाली है। तो 3.5 इंच मैं ले रही हूँ ऊपर से इस तरीके से। अब मैं इसको सीधा सीधा मार्क कर दूंगी ऐसे। मैंने इसको सीधा सीधा मार्क कर दिया है। अब मैं यहाँ से ऊपर से अपनी लेंथ लूंगी इस तरीके से। यहाँ से लेनी है मैंने लेंथ, ऊपर से नहीं। ऊपर मैंने 1/2 इंच छोड़ना है। इंची टेप मैंने ऊपर रखा है 1/2 इंच, आप देख सकते हैं। नीचे लेंथ पे मैं मार्क कर रही हूँ 36 इंचेस पे। ऊपर मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि 1/2 इंच हमारा इलास्टिक कवर कर लेगा, और नीचे हमारी लेंथ पूरी आएगी 36 इंचेस ऐसे। 36 इंचेस पे मैंने मार्क कर लिया है अपनी लेंथ लेते हुए। अब मैं इसको भी सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। अब मैं अपना आसन का मार्क लगाऊंगी जो मैंने आपको बताया है। 11 इंचेस पे मैंने आसन का मार्क लगाना है, बिकॉज ये फुल इलास्टिक वाली है। नॉर्मली हमारा आसन का मार्क होता है 10 या 11 पे, 10.5 भी आ सकता है। इस तरीके से मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऐसे। मैंने इसको भी सीधा सीधा मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ से अपनी वेस्ट के लिए, यानी कि मैंने आपको बताया था मैंने लूजिंग डाल के लिया है, तो मैं यहाँ पे 12 इंचेस पे मार्क करूँगी ऊपर। अब मैंने इधर से 1/2 इंच छोड़ के मार्क करना है, बिकॉज शेप देनी है हमें पैंट की। तो इधर से मैंने 1/2 इंच छोड़ के मार्क किया है। अब यहाँ पे 12 इंचेस पे मैं मार्क कर लूँगी। नीचे भी सेम उसी तरीके से 1/2 इंच छोड़ के अब मैंने 12 इंचेस पे मार्क करना है इस तरीके से। तो ऐसे मैं इसको सीधा सीधा मार्क करूंगी। और अब मैंने थाई का मार्क लगाना है, तो अब यहाँ पे मैं 14 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। 13 हमारी रेडी आ जाएगी जैसे मैंने आपको बताया था मेजरमेंट के वक्त। ऐसे हम इसको आसन को शेप दे देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो अब यहाँ से मैं मोरी का मार्क लगाऊंगी नीचे से। इधर से मैंने 2.5 इंच छोड़ के लगाना है,
मैं 2.5 इंच छोड़ रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो, बिकॉज पैंट की शेप अच्छी आती है। अब यहाँ से मैं, तो अब यहाँ पे मैं 7 इंचज़ पे मार्क करूँगी, 6 हमारी रेडी आ जाएगी, आधा इंच इधर से दबेगा, आधा इंच इधर से। तो ऐसे मैंने 7 इंचज़ पे मार्क कर लिया है। अब मैं अपने ये वाले स्केल से पैंट की ये वाली यहाँ से इसको मार्क करूँगी, हमने ऐसे इसको शेप देनी है, और जो स्केल की शेप वाली साइड है उसको बाहर की तरफ रखना हमने ऐसे। तो ऐसे मार्क करेंगे, अब इधर से ऐसे, ऐसे जो हमने ऊपर आधा इंच छोड़ के मार्क किया था वहाँ से मिला देंगे। अब इधर से ऐसे हम इसको शेप दे देंगे पैंट की। तो ये हमारे पैंट की मोरी है। अब हम इसको एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, यहाँ पे मैं 1.5 इंची का एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये वेलवेट की पैंट है इसलिए मोटा हो जाएगा थोड़ा सा, मैंने इसलिए कम लिया है फोल्डिंग का मार्जिन, मैंने 1.5 इंच ही लिया है। तो ये हमारे पैंट की मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसको कट करेंगे अपनी मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो ऐसे मैं अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लूँगी। तो ऐसे आप अपनी प्लाजो पैंट वेलवेट की घर पे ही कट करके स्टिच कर सकते हैं, जो आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिलेगी पड़ेगी। अगर हम मार्केट से ये रेडीमेड लेते हैं ये तो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। इस तरीके से हम इसको कटिंग करके स्टिच भी कर सकते हैं, स्टिचिंग में आपको आगे दिखाती हूँ। वैसे मैंने अपनी मार्किंग के साथ साथ कट करना है। बिल्कुल शेप देते देते हमने इसको कटिंग कर देनी है ऊपर से। अब मैं इसको सीधा कर दूंगी ऐसे। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है पैंट की। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। ये इसके 4 पल्ले हैं, तो मैंने 2-2 करके किए हैं इस तरीके से। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ऐसे आ जाएगी ये। ये दोनों पल्ले हो गए हैं अलग अलग ऐसे, और इधर से भी ऐसे। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे पहले मैं एक साइड उठाऊंगी, यानी कि आगे वाली। तो ऐसे मैंने आगे वाली एक साइड को उठाया है और यहाँ से आसन को स्टिच कर दूंगी। तो सबसे पहले हम अपना आसन स्टिच कर लेते हैं ऐसे, और मैंने नीचे से 2 इंच छोड़ देना है, जैसे मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है प्लाजो पैंट की। ये जो आसन है इसको मैं बाद में स्टिच करती हूँ। तो अब हम इसको ऐसे ही डबल सिलाई के साथ पक्का कर देंगे अच्छे से। तो ऐसे पहले मैंने आगे वाली साइड को स्टिच कर लिया, मैं पीछे वाली साइड को स्टिच कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने सेम इसको भी यहाँ तक ही स्टिच करना है, तो चलिए इसको भी मैं उसी तरीके से स्टिच कर लेती हूँ। मैंने दोनों साइड्स के आसन को स्टिच कर लिया है यहाँ तक। अब मैं इनको खोलूंगी इस तरीके से, और दूसरे वाले को खोल के सेम उसके आगे ऐसे रख दूंगी उसके ऊपर सीधे साइड की तरफ। और अब मैं यहां से दोनों साइडों से नीचे तक स्टिच कर लूंगी। तो चलिए हम इसको स्टिच करते हैं। तो ऐसे हम पहले एक साइड से नीचे मोरी तक इसको स्टिच कर लेंगे, आगे और पीछे दोनों साइड्स को आपस में मिला के। इस तरीके से हमने एंड तक इसको स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एक मोरी तक ऐसे स्टिच हो गया। मैं दूसरी साइड को भी सेम उसी तरीके से स्टिच कर लूंगी। मैंने दोनों साइडों से स्टिच कर लिया है। अब मैं इसकी मोरी को फोल्ड करूंगी, तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितना फोल्डिंग का मार्जिन है।
तो ये हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन है। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और यहां पे ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं। ऐसे मैंने मोरी को फोल्ड करके सिलाई लगा ली है किनारी की, तो ये ऐसे आ जाएगी आगे से। अब हम इसको ऐसे दूसरी तरफ भी मैं सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लूंगी और उसके बाद फिर मैं इसको फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ऐसे मैंने दोनों तरफ की मोरी को फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब मैं इन दोनों को फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी ऊपर तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कटिंग के वक्त 6 इंच मोरी रखनी है मैंने, तो यहाँ से 6 इंच पे मार्क लगाते हुए मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ऐसे मोरी से हम फिटिंग की सिलाई देते देते ऊपर आसन तक इसको स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे ही मैंने ऊपर तक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ आसन तक मैं सिलाई लगा लूंगी इस तरीके से। तो ऐसे मैंने आसन तक ऐसे सिलाई लगा ली है यहाँ तक ऊपर तक। अब मैं दूसरी साइड से भी यहाँ तक सिलाई लगा लूंगी। तो ऐसे दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब ये जो मैंने आसन छोड़ा था मैं इसको स्टिच करूंगी। इसको ऐसे हम आसन को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेंगे और ये जो है इसको एक तरफ ऐसे नीचे की तरफ हम फोल्ड कर देंगे, ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो अब मैं यहाँ से आसन के को स्टिच करूंगी। ऐसे आसन को स्टिच करने से हमारी जो पैंट की प्रॉब्लम होती है बीच में से उठने की, वो कभी नहीं आएगी और आसन कभी खींच नहीं मारता। तो ऐसे आप भी अपनी पैंट को आसन को एंड में स्टिच कीजिए इस तरीके से। तो ये हमारा आसन जो है स्टिच हो चुका है इस तरीके से। अब हमारा सिर्फ ऊपर लास्टिक रह गया है डालना, बाकी हमारी सारी प्लाजो पैंट रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें लास्टिक डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ ऐसे करके फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आधा इंच फोल्ड करना है हमने। तो अब हम लास्टिक के लिए ऊपर से इसको आधा इंच फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने से हमारी जो ऊपर वाली फिनिशिंग अच्छी आती है। उसके बाद हम अपना लास्टिक बीच में डाल के ऊपर की सिलाई देते हैं। तो मैंने आपको मेजरमेंट के वक्त बताया था कि वेस्ट हमारे पास है 18 इंच। तो मैं लास्टिक जो ले रही हूँ वो मैंने ऐसे डबल फोल्ड में ही लेना है। जैसे डबल फोल्ड में हमारी वेस्ट का नाप है तो वैसे ही ये भी डबल फोल्ड में मैंने 14 लिया है, यानी कि 3-4 इंच हमने कम लेना होता है, वो स्ट्रेच में आ जाता है बाकी। तो ऐसे मैंने इसको सारा राउंड में स्टिच कर लिया है आधा आधा इंच फोल्ड करके। अब मैं लास्टिक को इस तरीके से बीच में रखूंगी और इसको ऐसे, ये हमारा मार्क है, तो हम इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा देंगे। ध्यान में रखिए हमारी जो सिलाई है वो लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, लास्टिक के बिल्कुल किनारी पे आनी चाहिए। तो ऐसे मैंने ये लास्टिक को बीच में डाल के यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसको स्ट्रेच कर लिया है मैंने अच्छे से, जहां पे हमारा जो लास्टिक है वहां पे सेट हो जाएगा। मैंने चारों तरफ से इसको स्ट्रेच करके देख लेना है इस तरीके से, जहां पे हमारा लास्टिक स्ट्रेच सेट हो जाए उसको वहां, उसके बाद हमें इसकी सेंटर की सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो ये देखिए इसकी लास्टिक डल चुकी है और इसके ऊपर की सेंटर की सिलाई भी लग चुकी है हमारे लास्टिक की। अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ। ये हमारी पैंट की मोरी है। आप चाहो तो इस पे कोई डिजाइनिंग भी दे सकते हो गोटा पत्ती के साथ। ये मैंने लास्ट वीडियो एक डाली थी जिसपे मैंने मोरी का डिजाइन दिखाया था पैंट प्लाजो की। तो इस प्लाजो पैंट के साथ मैंने कुर्ती रेडी की थी।
ये डिजाइन के साथ। तो अगर आपने इसकी भी वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आई बटन प्रेस करके देख सकते हो, ये डिजाइन की मैंने वीडियो डाली हुई है। तो ऐसे ही हमारा फुल सूट रेडी हो गया है, सिंगल कलर विद गोटा पत्ती के साथ। तो पहनने के बाद ये पैंट ऐसे आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रीड डिज़ाइन। थैंक यू।